बागटोकरा में इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बागटोकरा ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले उत्तरा के सामने मुख्य सड़क के पास एक व्यक्ति जिसकी पहचान संजीत मंडल 30 वर्षीय गोसाईपुर नोतनपाड़ा का निवासी के रूप में हुई, सुबह 8 बजे उत्तरा गेट के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह युवक एक देसी पिस्तौल को कहीं पर बेचने के उद्देश्य से डिलीवरी करने के लिए मुख्य सड़क पर किसी का इंतजार कर रहा था। उसी बीच गुप्त सूचना की जानकारी पाकर बागडोगरा थाने की पुलिस एवं सफेद पोशाक पुलिस जानकारी पाकर वहां पर मौजूद थे। उस बीच युवक वहां जैसे ही पहुंचा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल उसे आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा उसे 7 दिन के रिमांड पर लेने का आवेदन किया जाएगा। इधर संजीत मंडल से यह पूछताछ किया जाएगा कि वह इस देसी पिस्तौल को कहां से लाया था और कहां पर बेचने वाला था। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इलेक्शन के माहौल के समय ऐसे पिस्तौल एक बड़े क्राइम का रूप दे सकता है। ऐसे में प्रशासन जो है इस बीच बड़ी तत्परता के साथ क्राइम को पैनी नजर रखते हुए अपना अभियान लगातार चालू रखे हुए है।